फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सिग्नल जैमर सर्किट बना के दिखाऊंगा। इसकी मदद से आप किसी मोबाइल फ़ोन के सिग्नल को बिल्कुल ब्लॉक कर सकते हैं और चाहे तो आप वाईफाई के सिग्नल को भी ब्लॉक कर सकते हैं सर्किट से। तो इसे किस तरीके से बनाना है उसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही देखने मिल सके। तो इसे बनाने के लिए मैं कुछ इस तरीके का जीरो पीसीबी बोर्ड यूज कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके का देख पाऊँगा यहाँ पे। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक LM358 नंबर की IC यूज कर रहा हूँ, देख पाऊँगा यहाँ पे कुछ इस तरीके की 8 पिन वाली IC होती है। इसके बाद मैं एक LED यूज कर रहा हूँ इसे इंडिकेट करने के लिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा सर्किट यहाँ पे ऑन हो गया है कि नहीं। इसके बाद मैं यहाँ पे एक 25 वोल्ट का और 100 UF का एक कैपेसिटर यूज कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक 50 वोल्ट का और 3.3 UF का एक कैपेसिटर यूज कर रहा हूँ। एक ऑन ऑफ स्विच यूज कर रहा हूँ इस पूरे सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए। सभी सामान का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कॉपर वायर की कॉइल ले ली है कुछ इस तरीके की। इस कॉइल की मदद से इसके जो नेटवर्क हैं वो मोबाइल फ़ोन में यहाँ पे उसके सिग्नल को ब्लॉक करेंगे। तो आप इसे किसी भी कॉपर वायर से बना सकते हैं, चाहे तो आप इसे 22 गेज के कॉपर वायर से भी बना सकते हैं, तब भी ये अच्छे तरीके से वर्क करेगा। या आप किसी भी पुरानी कॉइल को निकाल के PC बोर्ड से उससे भी इसे बना सकते हैं। तो पहले मैं सभी कंपोनेंट को PC बोर्ड के अंदर लगा लेता हूं, उसके बाद में मैं आपको सभी का कनेक्शन दिखाऊं किस तरीके से आपको कौन से वायर को कहां पे सोल्ड करना है। तो आपको यहां पे काफ़ी आसानी से कुछ इस तरीके से IC लगा लेनी है, क्योंकि इसके अंदर पहले से इसमें छेद होते हैं, तो उसमें आपको सभी चीज़ों को सेट कर देना है। LED को यहाँ पर मैंने लगा दिया है। कनेक्शन काफ़ी ईजी है, मैं आपको सर्किट डायग्राम की मदद से भी दिखा दूँगा किस तरीके से मैंने इसका कनेक्शन किया है। यहाँ पर जो कैपेसिटर है उसे ही मैंने लगा दिया है, और दूसरा वाला कैपेसिटर भी हम इसी साइड में लाएंगे, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 की तरफ। तो अभी आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम से आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो जो कॉइल है वो मैंने लगा दिए, और फाइनली प्रेस मैंने यहाँ पे इसका पूरा कनेक्शन कंप्लीट कर लिया है। सभी वायर को मैंने सोल्ड कर लिया है। आप देख के भी इसका कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सर्किट डायग्राम भी दिखा दूंगा वीडियो के बीच में कि किस तरीके से मैंने इसका सर्किट डायग्राम से कनेक्शन किया है। तो आप देख के भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं या दोबारा से बैक करके भी देख सकते हैं सभी चीज़ों को। बिल्कुल इस तरीके से मैंने इसका कनेक्शन यहाँ पे किया है। और इसे आपको 3.7 वोल्ट से ऑपरेट करना है, यानी कि आपको 3.7 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगानी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें मोबाइल चार्जर का जो 5 वोल्ट सप्लाई होती है वो आप इससे दे सकते हैं। तो अब इसके बाद मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें जो बैटरी है वो मैंने सोल्ड कर ली है। पॉजिटिव वाला पॉइंट मैंने पॉजिटिव पर दे दिया, नेगेटिव नेगेटिव पर। और यहाँ पर जो सर्किट है वो ईजिली स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है। तो चलिए अब इसे चेक करके देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। तो अभी इसमें मोबाइल फ़ोन में सिग्नल आ रहे हैं कुछ इस तरीके से, और जैसे इसे ऑन करूँगा यहाँ पे जो सिग्नल है वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे, मैं आपको दिखाई देता हूँ। और फ्रेंड्स ये कोई फेक वीडियो नहीं, सब कुछ आपके सामने मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगा। और देख पाऊँगा यहाँ पर जो सिग्नल है बिल्कुल ब्लॉक हो गए हैं, यानी कि बिल्कुल कट का निशान इस पर आ गया है। और जैसे मैं इसे ऑफ करूँगा जो सिग्नल है वो दोबारा से वापस से यहाँ पर आ जाएंगे आपके सामने। यहाँ पे देख पाऊँगे बिल्कुल भी यहाँ पे स्किप नहीं किया मैंने वीडियो को, और यहाँ पे जो नेटवर्क है वो दोबारा से वापस से इसमें आ गए हैं। तो इस तरीके से आप एक सिग्नल जैमर बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही देखने मिल सके। और फ्रेंड्स अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।